चकित कर देने वाली जीवन कथा है, सिमोन ओराव की जीवन कथा, एक संघर्ष भरी जीवन कथा। और इनको लेके एक फोटो फीचर बनाने के लिए मैं चली रांची। लोग इनको सिमोन बाबा कहते हैं। इनके प्रयास से झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड आज सब्जियों का भंडार बना है। 60 के दशक में जहां पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो पाती थी, वहां अब हर महीने 15 से 16 टन सब्जी का उत्पादन होता है और 15 लाख का कारोबार होता है। इसके पीछे सिमोन ओराव का एक मंत्र है, वर्षा जल का संग्रहण करो। नदी और नालों से बहकर समुद्र में चले जाने वाले पानी को रोककर उस पानी से सिंचाई करके खेतों में फसलों की बहार ला दो, तब किसानों का भविष्य बदलेगा। और ये सीख उनको मिली अपने जीवन से, दुख और संघर्ष भरे बचपन से। बेड़ो के हरिहरपुर गांव के खक्सी टोला के इस घर में 1937 में वोरा ओराव और बुधनी ओराव के बेटे सिमोन का जन्म हुआ था। वहां बैठ के सुने उनकी कहानी। सिमोन जी, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन तो गरीबी के हाल से बहुत कठिन से बीता। जंगल झाड़ जमीन जगह नदी नाला था, कहीं फसल होने लायक जमीन जगह ने एकदम से पूरा बंजर था। हम बकरी चराते, बैल चराते थे, हमारा फादर से घूमते फिरते थे। खेती बाड़ी नहीं होने के बाद खाली मड़ुआ का रोटी खाता था, कभी सरई का फल, सखुआ का साल का फल खाता था, तितर का चिया का महुआ से भाप भाप के खाता था। बहुत कठिन से हमारा क्षेत्र ने सबका गुजर बसर चला। बेड़ों के गाँव में, खेतों में, जंगलों में सिमोन ओराव जी के साथ 2 दिन घूमे। इस सफर के दौरान उनसे बातचीत हुई, उनका सपना, उनका संघर्ष और उनके कामों के बारे में जानने का मौका मिला। ये नदी और नालों पर बात बांटने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, पानी का जरूरत बहुत है और आन का भी बहुत जरूरत है। सेल है नाली को जमीन बनाने के लिए सोचे और बांधे जगह जगह पर और उसको जमीन बनाए, उसमें आन पैदा होता है। और नदी को बांधने से आन को सिंचाई करने के लिए पानी जमा करते हैं, इसलिए हम नदी को जगह जगह बांधने के लिए सोचे हैं। पहले जो बांध आपने बांधे थे वो आपको याद है? हाँ याद है, पहला बांधे हैं ढोड़ा को जमीन बनाने के लिए और वो बांध अभी तक मजबूत है, यही जा नरपतरा बांध कहते हैं इसको। और दूसरा बांध बांधे हैं आंध भालू ने और तीसरा बांध बांधे हैं खरवा गढ़ा ने। 3 ठो बांध जमीन बनाने के लिए नाला को बांधे हैं और इसमें कोई दूसरा से मदद नहीं, खाली जनता का सहयोग से बनाए हैं। मैंने सुना कि आपका पहला जो बांध था वो पानी में बह गया था। वो बांध को बांधे थे 45 फीट, छेदा हो गया बीच में। छेदा होने के बाद गोटे गवैया वाला उसको खोद रहा था, खोदने नहीं सका और बरसात आने के बाद कर से करीब 61 ने पूरा बांध हु छेदा किया और पूरा बह गया था। और उसी छेदा ने हम भी खोदने घुसे तो हमको भी घुसा दिया था और सब सोच रहा कि हमारा अगुआ अब तो ख़त्म हो गया, नहीं जिएगा। और 7 गांव ने खबर किया और 1,500 आदमी जमा हुआ। तू सब का आते आते हम निकल के ऊपर ने 25 आदमी हमको देखभाल कर रहा था छेदाना, तो निकल के बैठे हुए हैं तला और सब मिलजुल के स्थिर से बात विचार किए और कर से करीब 8 दिन ने 45 फीट बांधे। और जहाँ बरगी चवरा, भिड़ी कुदन, चीतो, मुड़ा मरचा, नैर पतरा टाँड,
ने सब ने पानी 15 दिन ने पूरा धान खेत ने पानी आ गया। प्रकृति की छोटी बड़ी हर चीज की संरक्षण जरूरी है, खासकर जंगल। इन बातों को सिमोन जी ने ग्रामीणों को समझाया ताकि लोग जंगल ना काटे, अरण्य हानि पर रोक लग सके। वर्षा के लिए जंगल कितने जरूरी है? हर गांव ने जंगल चाहिए, बगीचा चाहिए, तब पानी वर्षा ढंग से आएगा। कि जब तक पेड़ मनुष्य के लिए वर्षा नहीं देता है, सारा जीवा जंतु के लिए जितना गाछ वृक्ष घास फूरल भगवान वर्षा देता था, मगर अभी हम सब जंगल को बर्बाद कर दिए, बगीचा को बर्बाद कर दिए, डोभा को बर्बाद कर दिए। डोभा से बांध से जितना छल जीव चकता था, पानी का अंश ने वो शामिल होता था और पानी को टान के वर्षा जमीन में लाता था, तो वो सब तो अब गड़बड़ा गया। से ले 4 महीना पूरा वर्षा था पहले, अभी 1.5 महीना बरसात नहीं आता है। से ले सब किसान को और जनता को, हर समाज के आदमी को सोचना चाहिए कि मिलजुल के जंगल कैसे लगाना, पेड़ कैसे लगाना, बगीचा कैसे लगाना, जंगल कैसे पुराना जंगल का रखवाली करना। हम सब अभी करते करीब 3 टोली के लेके 600 एकड़ जंगल है। अब तो की जंगल कैसे बचाते हैं? देखिए पहले बहुत दूसरा लोग बर्बाद करते हैं जहाँ तहाँ से आते थे। पहले गांव वाला बैठ के विचार किए कि जंगल नहीं रखने से पानी बरखा हार पूरी घर दूरा बनाने में बहुत दिक्कत होगा। सहले मिलजुल के हम सब बैठे और बहरा रखे गांव पीछे और कर से करीब साल में उन सबको 20-20 किलो धान देते हैं और जंगल को कहीं गलती किया किसी को तो उसको सामने लाता है और कमेटी ने खबर करता है तो उसको बैठ के समझाते हैं आइंदे ऐसा गलती मत करो। इसलिए किसी को सजा देना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जुर्माना करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो एक साथ जोड़ना बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, लोगों को सजा देना नहीं, सिमोन उराव का इरादा था लोगों को जंगल बचाने के प्रयासों के साथ जोड़ना, साथ साथ आसमान से गिरे पानी को संग्रह करके कृषि में उन्नति। इसलिए गांव-गांव में बांध, कूप और जलाशयों के निर्माण में लगे रहे सिमोन उराव। मुझे घूमकर दिखाएं कुछ काम। पहला बांध है, ये इतना जंगल झाड़ी था, इसको पहला बांध बांधे, इसका नाम है नरपत्रा बांध और ये अभी जमीन लायक जमीन बन गया। दुयो वट इतना खाल था बीच में कि दुयो वट का टाड़ को माटी से कुदाल हार कूड़ी कुड़ूर पटक करके इसको नाली को भाट दिए तो अभी खेती लायक जमीन बन गया। बरसात का पानी यहाँ फूल भरा रहता था, कर से करीब जितना जे गेहूँ लगाया सब्जी लगाया सारा चीज लगाया और मशीन से पटा के पानी को अभी कम दिस रहा है। इतना खेती करता है कि जितना पानी नहीं है उतना खेती कर रहा है। मैंने घूमने के दौरान किसानों से भी बातचीत की। आप लोग से ये खेती करते हुए कौन से पानी से करते हैं? ऊपर से हल्का बारिश आता है ना उससे करते हैं, फिर अधिक नहीं होता है उस समय कुआं है ना बगल से मशीन डालते हैं फिर। और डैम का पानी? डैम का पानी यहाँ तक आता है। आता है मशीन से। कौन कौन चीज का खेती होता है यहाँ पर? गेहूँ, फिर मटर, फिर फ्रेश बीन, तो मकई का भी, खीरा का भी होता है। सब्जी की इतनी अच्छी खेती कैसे संभव हुई? पहले तो सबसे पहले पानी का व्यवस्था हुआ और पानी का व्यवस्था जो सिमोन बाबा भी हैं वही पानी का व्यवस्था किया, उसके बाद में सब्जी खेती करना शुरू कर दिया। क्या क्या खेती आप लोग करते हैं? हम लोग तो खेती अभी मिर्चा है, बीन्स है, लगाते हैं, था भी ख़त्म हुआ है, और ये खीरा है,
श्रीमंत जी ने जो काम किया है उसने गांव में क्या बदलाव आए हैं? यहाँ बहुत सारे लोग पहले पलायन हुआ करते थे, लेकिन आज पलायन नहीं हो रहे हैं। पानी है, डैम है, तो उससे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। कृषि क्षेत्र में हम लोग आते हैं, इसलिए कि खेती बाड़ी यहाँ के लोग करते हैं। पलायन रुका है, प्लस पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत सारा चीज़ में सुधार आया है, परिवर्तन आया है। तो श्रीमंत जी का काम सर्वाधिक बदलाव ले आया ना? हाँ सर, सर्वाधिक बदलाव तो लाया है। श्रीमंत जी का बनाया हुआ तालाब आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? सीमन बाबा का तालाब से हम लोग मोटर द्वारा और नहर द्वारा भी मतलब उपयोग करते हैं। पानी सिंचाई में ले जाने के लिए मोटर है, अभी तो उसको पंप के द्वारा कम से कम 100 फीट से ऊपर ले जाते हैं। और नहर है, नहर तो नहर से जाता है, वो तो बहुत दूर तक जाता है। इस पानी से आप लोग कौन कौन सी खेती करते हैं? अक्टूबर महीना में मटर का खेती करते हैं, उसके बाद में अक्टूबर खत दिसंबर आसपास गेहूँ का खेती करते हैं, फिर गोभी का खेती करते हैं, आलू का खेती करते हैं, मिर्चा का खेती करते हैं, फिर खीरा का खेती करते हैं और मकई का खेती करते हैं। सीमन जी का बनाया हुआ तालाब से क्या क्या मतलब सुविधा मिला गाँव वाले को? हम लोग को बहुत सुविधा, पानी का सुविधा है, खेती का सुविधा है। अभी धान फान लगाना है, आलू झालू टमाटर टमाटर अदरक सब बादाम सब मरुआ सब। 1977-78 में अकाल के शिकार बने छोटा नागपुर के ये इलाके, उस समय बेड़ों के किसानों को अकाल के साथ लड़ने की राह दिखाई थी सीमोन उराव ने। आज भी वो दिन याद है हर हंजी के किसानों को। 67 ने इतना अकाल किया, जितना जे बीड़ा किया धान का बिछड़ा सब सूख गया और कोई रोपाई नहीं हुआ और कुछ आम नहीं हुआ। यहाँ तो यहाँ से बहुत लोग हमसे सलाह लेने चल गया, खक्सी टीवी हमारा पास, तो उन सबको सलाह दिए कि आप सब खेत के जोतो और सारा चीज में बीज और सिंचाई के लिए हम जुगाड़ करेंगे। तो हमारा 2 मशीन था, एक लंबा डोनी लिए थे और एगो लोस्कर मशीन लिए थे, 2 मशीन दिए और ये सब को एक पेड़ के बेच के ये सब ले भी एगो लंबा लोड मशीन दिए और से साल 10 मन से 50 मन 150 तक गेहूँ पैदा किया और जो आदमी बेसहारा था उसका ले भी 5 मन से 10 मन रोकाड़ी ने गेहूँ जमा हुआ। अकाल रोकने के लिए सीमन जी ने जो रास्ता दिखाए थे उसमें आप लोग कैसे चले? जिसका खेत आज तैयार हुआ तो उसका सब घर घर से 2 आदमी मिलके जाके उसको आज रोप दिए, कल दूसरा का तैयार हुआ तो उसको रोप दिए, परसों उसका रोप दिए, ऐसा करके ही हम लोग मैंने सबका खेती कर दिए। और वही मशीन जो 2 मशीन, एगो लंबा डेनी एगो क्लोस्कार मशीन, हाँ वहाँ से ले लाए और वहाँ पे जहाँ जिसका पटवन हुआ रात हो या दिन हो हम लोग साथ ही जाते थे और साथ में ही हम लोग को पटवन रोपाई सब हम लोग साथ ही किए। उनके बाद में हम लोग जितना भी गेहूं पैदा हुआ ना उनको हम लोग जितना आदमी जो थे जिनका खेत नहीं है आसपास में सिंचाई के लिए उनको भी 2 क्यारी दे दिए, उनको भी 2 क्यारी बांट दिए। उसी रास्ते पे क्या आप लोग अभी भी चलते हैं? अभी भी हम लोग साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, जिसका जैसा जरूरी काम पड़ता है उस आधार पर हम लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। सीमोन उराव ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चले ग्रामीण और बदल गई बेड़ों की तकदीर। 96,152 एकड़ की बेड़ो प्रखंड में कृषि योग्य भूमि है 22,760 एकड़, वन भूमि की परिमाण 9,940 एकड़। सीमोन उराव जल संग्रहण और संरक्षण के काम शुरू करने के पहले बेड़ो प्रखंड में जलाशयों की संख्या थी 3 या 4। आज बेड़ो में करीब 70 जलाशय हैं। एक समय एक भी बांध नहीं था बेड़ो की झोरा या नाले में। सीमोन जी के प्रयास से आज 5 चेक डैम हैं। सिंचाई सुविधा युक्त जमीन का परिमाण बड़ा है, इसका लाभ उठा रहे हैं प्रखंड के 17 पंचायत के 1,12,852 लोग। राज्य सरकार ने भी सीमोन की मांग को पूरा किया। आज बेड़ों में वर्षा का पानी
भारी मात्रा में संग्रहित हो रहा है। कच्ची और पक्की नालियों से पानी पहुंच रहा है दूर दूर के खेतों में। आपका काम क्या परिवर्तन लाई? सब मिलजुल के एक संगठन बना और खेती ने सहयोग कर रहा है, सारा काम ने सहयोग कर रहा है। जहाँ खेती नहीं सक रहा है तहाँ मिलजुल के खेती करता है। और सिंचाई के लिए किसी का कुआं है तो कुआं से कोई आदमी खेती कर रहा है तो सबको लिए सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। एक निरंतर लड़ाई का नाम है सिमोन उरांव, और इस लड़ाई में 57 साल से उनका साथ निभाती आई हैं बिरजिनिया उराइन, सिमोन जी की धर्म पत्नी। सिमोन उरांव आज 79 साल के हैं। पिछले 54 साल से वो स्थानीय आदिवासी समाज के पढ़ा राजा बने हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा आंदोलन के आदिवासी वीर जत्रा टाना भगत के भक्त सिमोन उरांव उनके कामों के लिए पूरे झारखंड तथा देश में जाना माना नाम है। 2016 में उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखोपाध्याय के हाथ से पद्मश्री सम्मान ग्रहण किया है सिमोन जी ने। झारखंड राज्य जलछाजन मिशन ने सिमोन उरांव को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयन किया। कृषि सुखाड़ तथा पानी के अभाव से ग्रसित झारखंड में सिमोन उरांव एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जल संग्रहण, जल संरक्षण तथा व्यवस्थित सिंचाई को आंदोलन का रूप देने के लिए सिमोन जी को पूरे राज्य में परिभ्रमण कराया जाएगा। कारण, झारखंड की उपजाऊ मिट्टी को सिर्फ पानी चाहिए। पानी मिलने से खेतों में फसलों की लहर दिखाई देगी, बदलेगी झारखंड की तकदीर। जहाँ जंगल बर्बाद हो गया, पूरा जंगल खत्म हो गया, उसमें जंगल लगाना चाहिए। हर गांव ने कृषि करीब 50 घर आए तो कृषि करीब 20 गो कुआं 6 फीट से 8 फीट, 8 फीट से 10 फीट, 10 फीट से 15 फीट सिंचाई के लिए नहीं, पीने के लिए कुआं देना चाहिए। चापाकल ने सारा पानी नीचे उतर जा रहा है और कुआं से जितना वर्षा पानी को झोंकता है और जमीन के नीचे पानी खेलता है, और चापाकल ने नीचे से पानी के शुरू होता है और उसमें पानी कहीं नहीं खेलता है। इसलिए हम तो हर गांव में कुआं का बेसी जोर करेंगे कि ऊपर का पानी के झोंकेगा और जमीन में पानी खेलेगा। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को